बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोबाइल फोन के चार्जर्स को लेके मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और मैंने दोस्तों रिसेंटली भी एक आध वीडियो डाली है। अब उन्हीं वीडियोस की बात करें तो अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं और यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके ऐसे ही 3 क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि कई बार मैं अपनी पुरानी वीडियोस में एड्रेस कर चुका हूं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कि मेरे फोन के साथ आया था एक 5 वोल्ट 1 एम्पियर या फिर 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला चार्जर, और क्या मैं इस फोन को एक बड़े चार्जर से, मतलब कि 3 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज कर सकता हूँ या फिर किसी ऐसे पावर बैंक से जिसमें 4 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर आते हैं तो उससे मैं चार्ज कर सकता हूँ? क्या इसकी बैटरी फटेगी तो नहीं? क्या इसकी बैटरी की लाइफ कम तो नहीं होगी या फिर इसकी वारंटी वाइड तो नहीं होगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार पहले भी दे चुका हूँ। यहाँ पर आप जिस नजरिए से इन चार्जर को देखते हो दोस्तों, थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर चार्जर्स, जैसे कि ये चार्जर 5 वोल्ट में 3 एम्पियर तक देता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कि 5 वोल्ट 3 एम्पियर वाला चार्जर, दोस्तों ऐसा नहीं है, ये 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर तक दे सकता है। तो यहाँ पर आपके फोन के साथ जो चार्जर आया था वो भी कुछ ऐसा ही है, 5 वोल्ट पर 2 एम्पियर, मतलब कि 5 वोल्ट पर 2 एम्पियर तक ये करंट दे सकता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस चार्जर की ही बात करें तो ये चार्जर अकॉर्डिंग टू डाटा शीट 0 से लेके 2 एम्पियर तक कहीं पर भी दे सकता है 5 वोल्ट पर। तो दे सकते कि अभी ये 1.5 दे रहा है और मैक्सिमम 2 दे सकता है और 2 से इवन ज़्यादा भी दे सकता है, बट ऐसे केस में जो वोल्टेज है वो गिरनी शुरू हो जाएगी और किसी कंडीशन में ये चार्जर बंद भी हो जाएगा। ये आपका 2 एम्पियर तक करंट दे सकता है, और ये 2 एम्पियर का मतलब ये नहीं कि ये 2 एम्पियर भी फिक्स रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर लोड ये करंट को एडजस्ट करेगा। जैसे कि दे सकते हो कि इस समय जो करंट है कम भी हो रही है, तो ये नो लोड कंडीशन में, अगर लोड को हटा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में 0 एम्पियर करंट भी देगा, और अगर आप लोड लगाओगे तो आपको ये 0 से लेके 2 एम्पियर तक कहीं पर भी करंट दे सकता है, डिपेंडिंग अपन कि आपका लोड क्या मांग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप अपने फ़ोन को इस चार्जर से चार्ज करते हो, जैसे कि इस समय ये 0.5 एम्पियर ले रहा है, ये कितनी रेटिंग का चार्जर है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला, और ये कितने का है, ये 5 वोल्ट 3 एम्पियर का, तो क्या ये दोस्तों इस समय 0.526 एम्पियर से ज़्यादा करंट देगा? नहीं दोस्तों, ये अभी भी 0.526 एम्पियर ही देगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो चार्जर हैं वो फिक्स वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंड करती है आपके लोड के ऊपर कि आपका लोड कितना मांगता है, और उसी हिसाब से चार्जर करंट को देता है। तो यहाँ पर आप कोई भी चार्जर ले लें, बस इतना ध्यान रखें कि चार्जर कम से कम उतनी करंट प्रोड्यूस कर दे जितना कि आपके फ़ोन को या फिर गैजेट को चाहिए। जैसे कि इस केस में ये आउटपुट में 5 वोल्ट पर 1 एम्पियर तक दे सकता है, तो इससे अगर आप 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये चार्जर या तो बंद हो जाएगा या फिर दोस्तों काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन में काम करेगा। तो ये दोस्तों रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन 1.5 एम्पियर पर चार्ज होता है, 2 एम्पियर पर चार्ज होता है, तो आपको दोस्तों कम से कम 2 एम्पियर वाला चार्जर लेना होगा, ये चार्जर वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जितनी ज़्यादा करंट वाला चार्जर या फिर पावर बैंक आप लेते हो उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तो आपकी डिवाइस 2 एम्पियर मांग रही है, हो सकता है कि आगे आने वाली डिवाइसेस आपकी इसी वोल्टेज पर 3 एम्पियर मांगे, 4 एम्पियर मांगे, तो आपका ये चार्जर फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। तो आप दोस्तों किसी भी चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखें कि आपका फ़ोन या फिर गैजेट जितनी करंट मांगता है उतना वो चार्जर प्रोवाइड कर पाए, और ज़्यादा रहेगा तो बेटर ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कि मेरे फ़ोन के साथ तो आया था 5 वोल्ट और 2 एम्पियर वाला चार्जर, और ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, डेफिनेटली करता है, मुझे भी मालूम है, तो क्या मैं इस फ़ोन को एक फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकता हूँ? अगर फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो मैन्युफैक्चरर ने ये चार्जर क्यों दिया? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि ये चार्जर खराब है, खतरनाक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार एड्रेस कर दिया है। ये वाला चार्जर ना देने का कारण ये नहीं कि ये चार्जर आपके फ़ोन को ख़राब कर देगा, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की जा रही है। आप इस एग्जांपल से समझ जाओगे, इस चार्जर को बनाने में शॉमी वालों की लागत आती है 40-50 रुपये और इसको बनाने में 100-150 रुपये। तो लेट्स सपोज 150 रुपये लगते हैं इस चार्जर को बनाने में और इसको बनाने में 50 रुपये, तो फिलहाल सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेके, मतलब कि इस फ़ोन की कीमत को 100 रुपये बढ़ा के आपसे वसूल करके इस चार्जर को क्यों नहीं दिया? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूनिट नहीं बना रहे हैं वो लोग, यहाँ पर लाखों करोड़ों बना रहे हैं, और ऐसे केस में 100 रुपये
अगर करोड़ों यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काफी बड़ा पैसा बन जाता है और डेफिनेटली कंपनी उस पैसे को बचा रही है या फिर अपने प्रॉफिट में जोड़ रही है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप इस फोन से ले सकते हो। ये फोन है Xiaomi का Redmi Note 5 और इसके अंदर है Qualcomm का Snapdragon 625 चिपसेट, जबकि ये फोन है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro और इसके अंदर है Qualcomm का Snapdragon 636 और डेफिनेटली 636 बेटर है 625 से। तो यहाँ पर अगर प्राइस में डिफरेंस देखा जाए 625 और 636 की, 200-300 रुपये का ही डिफरेंस है। अगर 200-300 रुपये का डिफरेंस है तो Xiaomi वालों ने Redmi Note 5 के अंदर Qualcomm का Snapdragon 636 चिपसेट क्यों नहीं डाला? आपने कभी सोचा इस बारे में? और इवन अगर आप इस फोन की बात करें, इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 RAM तो मिल जाएगी बट EMC 5.0 स्टोरेज है, और अगर EMC 5.0 स्टोरेज और UFS 2.0 स्टोरेज के बीच में प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो मार्जिनली 500-700 रुपये का डिफरेंस है। तो 500-700 रुपये इस फोन की कीमत बढ़ा के आपको UFS 2.0 स्टोरेज क्यों नहीं दी? कारण यही है कि अगर 500-700 रुपये उनके जेब से ज़्यादा लगते हैं एक फ़ोन के ऊपर, वो तो हज़ारों लाखों यूनिट्स बना रहे हैं, तो ऐसे केस में जो डिफरेंस है प्राइस का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण होते हैं और इसी वजह से कई बार ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हाई परफॉर्मेंस वाले जो पार्ट्स हैं वो आपके गैजेट्स में नहीं लग पाते हैं। तो यहाँ पर भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है कि ऑल्दो प्राइस में डिफरेंस 100 रुपये का ही है मार्जिनली, बट यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए फ़ोन मैन्युफैक्चरर डिब्बे के साथ नॉमिनल 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला या फिर 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाला चार्जर दे देते हैं। आप फ्यूचर में जाके अपग्रेड कर सकते हो, यहाँ तो ऑप्शन है, जबकि दोस्तों फोन के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि अगर आपने एक बार स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट वाला ले लिया तो ले लिया, ये अपग्रेड नहीं होगा, या फिर आपने EMC 5.0 स्टोरेज वाला या फिर LPDDR3 RAM वाला ले लिया तो ले लिया, ये अपग्रेड नहीं हो सकता। बट चार्जर के साथ दोस्तों ऑप्शन है, आप अपग्रेड कर सकते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपग्रेड करना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करते हैं। बाकी अगर आप सोचते हो कि मैं फास्ट चार्जर से ऐसे किसी फ़ोन को चार्ज करता हूँ जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है तो वो फ़ोन फट जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका फ़ोन और ये चार्जर पहले आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अगर फ़ोन से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है तभी ये चार्जर वोल्टेज को स्विच करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है फास्ट चार्जिंग को तो ये चार्जर अपनी वोल्टेज को स्विच नहीं करेगा, मतलब कि 5 वोल्ट पर ही बना रहेगा। अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को तो ये अपनी वोल्टेज को स्विच कर देगा। तो यहाँ पर चार्जर फोन से कम्युनिकेट करता है और डिपेंडिंग अपॉन दैट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चार्जर अपनी वोल्टेज को या करंट को चेंज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डरने की दिक्कत नहीं, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है तो वो आपका नॉमिनल 5 वोल्ट पर ही चलता रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि मुझे थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन ये कि मैं इन चार्जर को क्यों लूँ जबकि इसी प्राइस सेगमेंट में इवन सस्ता मुझे ये पावर बैंक मिल रहा है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जर अपनी जगह पर हैं, पावर बैंक अपनी जगह पर हैं, पावर बैंक को आप कभी भी अल्टरनेट पावर सोर्स लेके ना चलें। बाकी पावर बैंक की क्या दिक्कतें हैं आपको बता देता हूँ। पहली दिक्कत कि पावर बैंक इनकी कैपेसिटी ऑल्दो ज़्यादा है, आपको पोर्टेबल मिलेंगे, आप इसको कैरी कर सकते हो, इसके जरिए ऑन टू को कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में आप अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हो, बट दोस्तों इनकी बैटरी की लाइफ होती है 200-300 साइकिल तक ही इनकी बैटरी चलती है, उसके बाद परफॉर्मेंस लगभग आधी हो जाती है, मतलब कि इसकी कैपेसिटी 10,000 से घट के 4,000 mAh बच जाती है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप जितना ज़्यादा पावर बैंक को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा इनकी बैटरी को यूज़ करोगे तो इनकी जो लाइफ है वो कम होती चली जाएगी, मतलब कि पहले टाइम में तो ये आपको 2-3 बार चार्ज कर देगा, पर जैसे जैसे आप इससे चार्जिंग लेते चले जाओगे तो इसकी कैपेसिटी गिरनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि फाइनली आपको मिलेंगी एक चार्जिंग साइकिल या फिर उससे भी कम। तो एक तो दोस्तों इसकी बैटरी होगी और दूसरा ये उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं जितना कि आपके चार्जर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आप चार्जर के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हो तो ऐसे केस में क्या होगा, पावर लॉस होगी चार्जर के अंदर और मोबाइल फ़ोन के अंदर, मतलब कि दो ही स्टेप हैं। जबकि अगर आप इन पावर बैंक्स को बीच में ले लेते हो तो पहले आप चार्जर से पावर बैंक को चार्ज करोगे और बाद में पावर बैंक से फ़ोन को, तो ऐसे केस में पहले तो चार्जर में पावर वेस्ट हुई, उसके बाद बैटरी को चार्ज करने में वेस्ट हुई, उसके बाद बैटरी से 5 वोल्ट बनाने में वेस्ट हुई और उसके बाद 5 वोल्ट से आपकी फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने में वेस्ट हुई। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग दुगनी पावर वेस्ट होती है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। तो लेट्स सपोज ये चार्जर है और ये चार्जर है 85% एफिशिएंट, मतलब कि अगर 100 वाट इनपुट में ले रहा है तो उसमें से दोस्तों सिर्फ 85 वाट ही ये आपको आउटपुट में देगा। अब 85 वाट आपके जाएंगे इस पावर बैंक को चार्ज करने में और ये पावर बैंक भी कुछ पावर वेस्ट करेगा इन चार्जिंग बैटरी,
तो लेट्स सपोज ये भी वेस्ट कर रहा है 15%, तो सिर्फ 72 वाट ही स्टोर होंगे बैटरी में। अब दोस्तों इस चार्जर से मैं अपने फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले बैटरी से वोल्टेज कन्वर्ट होगी 5 वोल्ट में, और लेट सपोज यहाँ पर भी 15% वेस्ट होते हैं, तो कितना बच गया दोस्तों, 61.5 वाट ही आपके फ़ोन के इस पोर्ट पर पहुँच पाएंगे। अब फ़ोन भी कुछ वेस्ट करेगा और लेट सपोज ये भी आपका 15% वेस्ट करता है, तो ऐसे केस में सिर्फ 52 वाट ही आपकी इस बैटरी तक पहुँच पाएंगे, मतलब कि 100 वाट में से सिर्फ 52 वाट ही इस फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने में यूज़ हो रहे हैं। आइए अब विदाउट पावर बैंक देख लेते हैं, तो ऐसे केस में 100 में से 15 वाट तो इसने वेस्ट कर दिए, मतलब कि हमारे पास बचे हैं 85 वाट। अब 85 वाट में से लेट सपोज फोन ने भी 15% वेस्ट कर दिए हैं, तो अब कितना बचा, 72%। तो यहाँ पर दोस्तों 100 में से 72 वाट आपके फ़ोन को चार्ज करने में यूज़ हो रहे हैं, जबकि अगर आप पावर बैंक को बीच में लेते हो तो ऐसे केस में सिर्फ 52 वाट। तो यहाँ पर कौन सा एफिशिएंट तरीका है, एफिशिएंट तरीका दोस्तों यही है कि आप फ़ोन को डायरेक्टली इस चार्जर से चार्ज करें। हाँ दोस्तों आप इमरजेंसी में इस पावर बैंक को इस्तेमाल कर सकते हो, बट रेगुलर बेसिस में इसको यूज़ करना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको चार्जर लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पावर बैंक, बढ़िया चार्जर ले लें, आप उससे अपने फ़ोन को चार्ज करें। पावर बैंक आप ले सकते हो एज अ बैकअप सोर्स, बट इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हो अपने फ़ोन को चार्ज करने में, तो इसकी बैटरी जाएगी और दूसरी आपकी बिजली ज़्यादा वेस्ट होगी। तो यहाँ पर मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, आप चार्जर पर इन्वेस्ट कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा, बाकी कई बार मैं इन वीडियोस को बना चुका हूँ, कई बार आपको समझा चुका हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके दिमाग में जो चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर्स होते हैं, एक तो उनकी करंट रेटिंग, उस पर आप दोस्तों थोड़ा सा घबराते हो, दूसरा यहाँ पर फास्ट चार्जर से घबराते हो, और तीसरा पावर बैंक को लेकर आपकी यहाँ पर कुछ गलत फहमी थी, जिसको दोस्तों मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में आंसर करने की। बाकी आपके मन में कोई और डाउट है चार्जर्स को लेकर, पावर बैंक को लेकर, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, अगर दोस्तों पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।